राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बोलते हुए बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस ये मोदी सरकार के हथियार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को खामोश करने के लिए, चुप कराने के लिए बीजेपी जुडिशरी का इस्तेमाल करती है, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करती है, पेगासस का इस्तेमाल करती है। उनके इस विवाद पर अब हंगामा मचना तय है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ये तो सरकार के हथियार हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है। सुनिए, इज प्लेइंग हैवॉक विद दिस कंट्री एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the union of states. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the prime minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu. He is attacking the people of Assam. He is attacking the people of Kerala. He is attacking the people of Bengal. और अब बीजेपी रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी के इस बयान पर। और बीजेपी के सांसद दिलीप घोष की बात आपको हम सुनाते हैं। दिलीप घोष ने पलटवार किया है राहुल गांधी के आज इस बेहद कंट्रोवर्शियल बयान पर। दिलीप घोष कह रहे हैं कि राहुल और गांधी परिवार खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। का भाषण में सबको मजा जरूर आया, लेकिन जिस प्रकार वो आरोप लगा रहा, जो काम कांग्रेस ने करके गया वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं। जुडिशरी को भी उन्होंने निशाने पे ले लिया है कि जुडिशरी भी लोगों के आवाज़ को दबा रही है। जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को इंक्रीजमेंट किसने किया था? ये परंपरा उन्होंने शुरू किया है, और जितना सरकार की संस्थाओं को उन्होंने उन लोगों ने बदनाम किया और मिसयूज किया वो तो रिकॉर्ड है। आज वो सब बात बोलने से कौन सुनेगा? देश का अखंडता बोल रहे हैं, पाकिस्तान चीन की पीओके किसने दिया था? पाकिस्तान को अक्साई चीन चीन को किसने दिया था? थोड़ी ना हमने दिया है। आज उनको पश्चाताप हो रहा है देश की कल्चर के बारे में। आप बोल 50 साल उम्र होने के बाद उनको पता चला कि देश का कल्चर क्या है, बड़ी दुख की बात है। अब पूरा कांग्रेस सफाया होने के बाद उनको उपलब्धि हुई है। तो कह रहे देश खतरे में है, अंदर से और बाहर से दोनों खतरे में है। नहीं, कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है, ये घुमाकर देश का ऊपर थोपते हैं। नहीं, भारत जो कहे पाकिस्तान और चीन इकट्ठा हुए हैं, ये क्या नई बात है? ये नहीं, कार्यक्रम हाईवे कब बनना शुरू किया? चीन पाकिस्तान को जमीन किसने दी थी? हमारे तो दो दो प्राइम मिनिस्टर जाके पाकिस्तान होके आया, इसके पहले कितने कांग्रेसी लोग गए पाकिस्तान? कांग्रेस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का भरपूर प्रयास माननीय अटल जी ने, माननीय मोदी जी ने की। वहाँ के नेता का घर तक गए बिना किसी फॉर्मेलिटी के, इससे पहले तो कोई नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।